अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिनों बाद मुझे याद आ ही गया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ पे ब्लॉग भी लगाने। तो आज मैंने ऑफिस से ऑफ लिया है और मेरे बर्ड्स के कुछ काम थे, उनके केजेस की रिपेयरिंग करवानी है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। कुछ न्यू बर्ड्स भी आए हैं, उनकी भी सेटिंग करनी है। तो अभी चलते हैं, वेल्डर भाई को लेके आते हैं और ये अपने सारे काम ख़त्म करवाते हैं। तो गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, कोल्ड स्टार्ट कर ली है, अभी थोड़ी गर्म हो जाए तो फिर निकलते हैं। लॉन की अभी कटिंग नहीं हो सकती, ये तो सही अच्छे से कारपेट नहीं बना, लेकिन वो कुछ ना कुछ बन ही गया। फाइनली जी सामान आ चुका है, सामान आ चुका है जी। और मैं इस टाइम मिट्टू साहब के पास बैठा हूँ, मिट्टू एंजॉय कर रहा है। आज एक नई चीज़ पता चली है कि मिट्टू डांस भी करता है। मिट्टू डांस करो। जबरदस्त, मिठू ने डांस करके दिखा दिए जी। और सामान आ चुका है, अभी बस वेल्डर भाई का वेट है, वो कब आते हैं तो फिर बाकी काम बाद में होगा। ये जो दो केजेस हैं इनकी पार्टीशन करनी है दरमियान से, ये अभी इसकी होगी है, इसकी अभी होनी है और यहाँ पे डोर्स बनेंगे फ्रंट पे। ये जी बिलाल भाई जाली लगा रहे हैं, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि डबल लगाएंगे तो खाने से माने से ही खाने तक के बराबर आवाज़। ये हमारे आसिफ भाई हैं जो कल हमें पूरा दिन गोलियाँ करवा के फिर आज बड़ी मुश्किल से आते हैं। आसिफ भाई हाँ बस ठीक है, आ गया।
यूसुफ भाई के डर से ये सारे इधर इकट्ठे हो गए, यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सारे डर के यहाँ पे आ गए। फाइनली जी सब लोग जा चुके हैं और केजेस कुछ इस तरह के लग रहे हैं, पता नहीं अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ये पहले तीन पोर्शंस में थे, अभी इनको डिवाइड कर दिए दरमियान में से ये, और इनके छोटे डोर भी लगा दिए। तो अभी मैं इनका दाना पानी कर लूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। दाना डाल दिए जी, वजीज भी अपना खाना पीना कर रही हैं, प्लम हेड भी और रॉ भी, और इन दोनों का भी घर जाने का टाइम हो, तो इनको घर बंद करते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो मस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब, और दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। Yeah, yeah, pull up on you like a Gen Z.